इस खबर आपके लिए। पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह समीक्षा बैठक करेंगे, दोपहर 3:30 बजे होगी मीटिंग। कोरोना के चलते डीएससीएमसी के चुनाव टाले गए, उपराज्यपाल ने दी मंजूरी। ऑक्सीजन और बेड के इंतजाम नहीं, सुखबीर बादल का कैप्टन सरकार पर गंभीर आरोप। श्रीनंदपुर साहिब में नाइट कर्फ्यू के दौरान लोग कर रहे कर्फ्यू का पालन, नाइट कर्फ्यू के दौरान एसएचओ की ओर से स्थिति पर की जा रही निगरानी। बढ़ते कोरोना के कहर के बीच हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक, सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक। चीन में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, सरकारी अस्पताल में 1710 वैक्सीन की डोज चोरी। हिमाचल कैबिनेट की अहम बैठक होगी, कई मुद्दों पर मंथन जारी, कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगाई जा सकती है पाबंदियां। देश में कोरोना संक्रमण ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 24 घंटे में 3,14,000 केसेस। कोरोना मामले में अमेरिका से आगे निकला भारत, अमेरिका में 11 जनवरी को एक दिन में आए थे 3,13,516 केसेस। कोरोना महामारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, हाईकोर्ट से कई मामलों के अपने पास ले सकता है सुप्रीम कोर्ट, हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट में एमिकस क्यूरी बनाया। ऑक्सीजन सप्लाई पर केंद्र सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार, कहा ऑक्सीजन लोगों का मौलिक अधिकार। दिल्ली के मुंडका में प्लांट के बाहर ऑक्सीजन लेने वालों की लंबी कतार लगी, आम लोगों से लेकर डॉक्टर्स तक ऑक्सीजन सिलेंडर लेने आए। 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 4 जज कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जजेस के कार्यालय कर्मचारी भी संक्रमित। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी के बड़े बेटे आशीष येचुरी की कोविड संक्रमण से मौत। कांग्रेस नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री एके वालिया की भी कोरोना के चलते जान गई। बठिंडा के कर्मगढ़ शतरा में लोगों ने 3 सरकारी बसों को रोका, कोरोना की वजह से सरकारी बसें सिर्फ 50% सवारियों के साथ ही चल रही। बठिंडा में नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करते 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार। फतेहाबाद में ऑक्सीजन की कमी का मामला, स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक डिमांड के बराबर सप्लाई नहीं हो रही, जिस वजह से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फरीदकोट में अचानक तेज बारिश और ओले गिरने से किसानों के खेत में खड़ी फसल को भारी नुकसान। सोनीपत बीजेपी ने फैसला लिया है कि कोविड वैक्सीन हर व्यक्ति हर जल्द से जल्द लगवाए, जिसके लिए अब बीजेपी कार्यकर्ता गांव गांव जाकर जागरूकता फैलाएंगे। भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे जीएसटी कमिश्नर वीके बिरदी, जलंधर स्थित कोठी पर विजिलेंस टीम की रेड। श्रीनंदपुर साहिब पुलिस ने शहर के मुख्य बाजार में दुकानदारों को कोरोना को लेकर किया जागरूक। मानसा के सिविल सर्जन अस्पताल में सिविल सर्जन के दफ्तर में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे। चंबा में माता चामुंडा और माता बेरावाली के साथ दर्शन को लेकर माता चामुंडा के मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे लोग कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए दिखे माता के दर्शन करने गए श्रद्धालु। विश्व पृथ्वी दिवस पर भिवानी के कलाकारों ने पृथ्वी बचाओ पर अनूठे तरीके से दिया संदेश। और ताकत हो रही इंडियन एयरफोर्स, रफाल विमान की 5वीं खेप भारत। वर्चुअल शिखर सम्मेलन में दुनिया को पर्यावरण से बचाने का संदेश देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अर्थ डे पर ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने अनोखी हुई पहल की, समंदर किनारे माइक्रोप्लास्टिक की छानबीन करने में जुटे लोग, समंदर को साफ करने की बड़ी मुहिम। पश्चिम बंगाल में 6ठे दौर के लिए वोटिंग जारी, 4 जिलों की 43 सीटों पर डाले जा रहे वोट, कुल 306 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा।